चलिए अब हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि टेंस क्या होता है। तो टेंस क्या होता है, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग टाइम तीन होते हैं, टाइम तीन होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्क जो होते हैं चार होते हैं इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इंडेफिनिट का क्या नेचर है, कंटिन्यूअस का क्या नेचर है, परफेक्ट का क्या नेचर है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या नेचर है। और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेफिनिट तीनों टाइप में होता है, मतलब प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। अगर मैं इंडेफिनिट की बात करूँ तो इंडेफिनिट में तीन टेंस हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली हम लोगों ने कंटिन्यूअस के भी केस में पढ़ा है, कंटिन्यूअस में भी तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट में भी तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तीन होते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले जो लास्ट वाली क्लास थी, उस लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इंडेफिनिट को स्टडी करना, है ना। तो मैं सबसे पहले एक बार लास्ट क्लास को फुल रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप एक बार सारा कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिवाइज आ जाए, रिवाइज हो जाए, माइंड में आ जाए, देन आफ्टर आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कि इंडेफिनिट कितने होते हैं बेटा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक बात और क्लियर की थी कि आपको कोई भी सेंटेंस, अगर आपको किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ आपको दो चीजें ही देखना होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब देखते हैं तो आपको टेंस आइडेंटिफाई हो जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट ऑलरेडी जो होता है वो फिक्स होता है, सब्जेक्ट में कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट हमेशा फिक्स होता है, सब्जेक्ट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, सब्जेक्ट हमेशा जो है फिक्स होता है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे मैंने उस क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट सेंटेंस, रूट सेंटेंस बोलते हैं। रूट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, रूट के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, अगर ये तीनों चीजें हम निकाल दें तो इसके बाद बच जाता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, ऑब्जेक्ट बच जाता है, क्लियर है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बच जाता है। फन ऑफ कर दीजिए, फन ऑफ कर, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट बचता है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से जरा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेंटेंस को राइट कर रहा हूं, अगर मैं किसी सेंटेंस को राइट कर रहा हूं तो मुझे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेन माइंड सेट कहाँ है, आपको माइंड कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट को। इसको लेके मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। अच्छा, हिंदी के भी टेंस हम पढ़ चुके हैं, है ना, इंडेफिनिट में कौन सा इंडेफिनिट होगा, कौन सा कंटिन्यूअस होगा, कौन सा परफेक्ट होगा, सेंटेंस का क्या नेचर होगा, ये ऑलरेडी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि उसका वीडियो बनाया नहीं गया है, लेकिन हम लोग फिर से एक बार वीडियो बना लेंगे उसका, लेकिन ये सब चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो उसके वीडियोस को भी बनाया नहीं है मैंने, तो हम लोग कभी जब टाइम मिलता है तो हम लोग उसको वीडियो भी, उसका वीडियो भी हम लोग शूट कर लेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ये वाला। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, राधा आती है, राधा आती है, ये एक सेंटेंस है, ओके। अब इसमें देखिए, राधा क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, आती क्या हो गया बेटा, मेन वर्ब, और है क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में वर्ड्स को लिखने का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, हिंदी में मेन वर्ब को पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हर बेटा, हर लैंग्वेज में वर्ड के अरेंजमेंट का अपना अपना सीक्वेंस है। आई बात समझ में, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, संस्कृत में कुछ और है, तो बिल्कुल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, है ना। हम चूंकि इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं तो इंग्लिश में क्या है वो समझ लीजिए। इंग्लिश में क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, रूट सेंटेंस किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और यहाँ पे देखिए, सेम चीज मिल रही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो राधा आती है, ये सिर्फ क्या है बेटा, रूट सेंटेंस। अब देखिए, मैंने इसमें क्या किया था, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के लिए, राधा सुबह आती है, सुबह मतलब मैंने टाइम ऐड कर दिया। अच्छा, आने का स्टार्टिंग टाइम ऐड नहीं किया मैंने बेटा, याद रखिएगा। टाइम भी दो तरीके का होता है सेंटेंस में, एक तो
वर्क का स्टार्टिंग टाइम वो भी ऐड करते हैं और एक कॉमन टाइम भी ऐड कर सकते हैं वर्क का कॉमन टाइम, हाँ इस टाइम पे होता है मतलब। तो जैसे सुबह आती है तो सुबह से नहीं आती है भैया, सुबह आती है, तो सुबह आती है मतलब आने का ये कोई स्टार्टिंग टाइम गिवन नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस। तो राधा सुबह आती है, इसमें सुबह किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए राधा सुबह स्कूल आती है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, सुबह टाइम को इंडिकेट कर रहा है, स्कूल प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तीसरा देखिए राधा सुबह साइकिल से स्कूल आती है, इसमें भी देखिए रूट सेंटेंस वही है, राधा आती है रूट वही है, रूट कभी चेंज नहीं होता है और टेंस रूट टेंस रूट सेंटेंस ही टेंस है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सेंटेंस बहुत लंबा हो रहा है यार, कैसे लिखूंगा, कैसे ट्रांसलेट करूंगा, कैसे बोलूंगा, तो उस बच्चे को ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तीनों सेंटेंस में देखिए राधा आती है, यहाँ पे देखिए राधा आती है, एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, टाइम, राधा आती है, एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, टाइम और प्लेस। यहाँ देखिए राधा आती है वही है, टेंस वही है, टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, टाइम, किससे आती है, इंस्ट्रूमेंट और प्लेस। नेक्स्ट देखिए राधा अपने सहेलियों के साथ सुबह साइकिल से स्कूल, मतलब फाइनली राधा आती है, इंग्लिश वही लिखेंगे हम लोग, टेंस का जो रूट सेंटेंस है वही लिखेंगे, हम लोगों को एड ऑन क्या करना है, हमको एड ऑन करना है अपने सहेलियों के साथ, पहला मतलब किसके साथ आती है, दूसरा मॉर्निंग में, तीसरा बाइसिकल से, चौथा स्कूल। तो फाइनली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि टेंस बिल्कुल टफ नहीं है, आप सेंटेंस की लेंथ को लेकर डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, अगर सेंटेंस बहुत लंबा है तो आप डर जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तो सिर्फ रूट देखिए, किसी भी टेंस का सिर्फ रूट देखिए, उससे आप टेंस पहचान भी लेंगे और उससे आप टेंस को बहुत आसानी से राइट भी कर लेंगे। अभी क्लियर हो रहा है बेटा आपको? तो टेंस को राइट करने में, टेंस को लिखने में इंग्लिश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो बच्चे पूरे सेंटेंस को पढ़ने लग जाते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, जो रूट नहीं निकाल पाते हैं। और रूट मतलब क्या, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट और लास्ट में विनोबा और हेल्पिंग वर्ब निकाल, ये हो गया रूट, क्लियर हुई बात। अब ये सभी सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में भी नीचे लिख के दिखाया, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए राधा आती है ये रूट सेंटेंस है, रूट सेंटेंस मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विनोबा, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी भी टेंस में कितने सेंटेंस होते हैं, छह, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ये हम पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या, नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर क्या लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में रूट बनाना है तो सिर्फ मुझे दो चीज लिखना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, लेकिन इसमें कंडीशन है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस यस आपको ऐड करना है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लिखना है, ये कंडीशन है। लेकिन अगर अफर्मेटिव नहीं है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब लग जाता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है। तो देखिए डू प्लूरल और ईएस लग गया तो ये सिंगुलर के साथ लगेगा, लॉजिक लगाइए, डी और डू प्लूरल के सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि देखिए प्लूरल के साथ डायरेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, सिंगुलर के साथ एस ईएस लगाते हैं, तो डू में एस ईएस लगाए क्या, तो किसके साथ यूज हो जाएगा, प्लूरल। और यहाँ पे देखिए इसी डू में ईएस लगा के क्या बना दिया, डज, क्या बना दिया, तो डज किसके साथ लगेगा, लॉजिक लगाइए आप, रटिए मत, लॉजिकली आप सोचिए उस चीज को। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो लगा देंगे डू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो लगा देंगे डज, तो ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नॉट भी लगेगा, है ना, नेगेटिव में क्या लगता है, डू और डज के बाद नॉट लगता है ना, यस। अब देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव डू और डज को आगे लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है ये बात, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन, राधा आती है अफर्मेटिव है, हेल्पिंग नहीं यूज करेंगे हम लोग, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अभी क्लियर हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं ना अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं ना, तो इट मींस क्या हो गया बेटा, राधा आती है मतलब राधा कम की कम्स,
लॉजिक यही लगाना है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है।